हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग 7th क्लास जो मराठी का आपका बाल भारती का बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर का यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज आप बोल सकते हो, स्वाध्याय बोल सकते हो, वो यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। ओके, और इस पार्ट के अंदर आप देखोगे कि ये जो पार्ट है हमारा स्वप्न विकनारा मानुष, यानी सपनों को बेचने वाला मानुष, इसके बारे में यहाँ पे पूरे ये जो लेसन है वो पूरा लेसन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, और इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, सारे के क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि तुमचे मत स्पष्ट करा, यानी इसका मतलब क्या होता है। इन योर ओन वर्ड्स आप खुद से भी इसका जो आंसर है आप लिख सकते हैं बिना पढ़े भी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि गावात एनार्या माणसाला गाव करी स्वप्न विज्ञा महर्ता। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, इसके लिए आंसर आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे गावात इनारिया मानसाला गाँव करी स्वप्न विज्ञा महर्ता, तो गाँव में आने वाले व्यक्ति को जो गाँव वाले हैं वो स्वप्न विज्ञा कह के पुकारते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति गाँव से शहरों से गाँव में आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी जो आकांक्षाएं है, बहुत सारी जो बातें हैं शहरों की, वो लेके आता है। शहरों में किस तरह से रहन सहन है, शहरों में किस तरीके से सुविधाएं हैं, शहरों में किस तरीके से बाकी सब चीजें हैं, वो सारी चीजों को वो क्या करता है, गांव वालों के सामने उसको बताता है। जिसके कारण बहुत सारे जो गांव वाले होते हैं उनके अंदर भी ऐसी बहुत सारी जो लालसा है, बहुत सारी ऐसी जो चेतना है उनके अंदर भी निर्मित होती है, निर्माण होती है, और वो भी क्या चाहने लगते हैं कि हम भी क्या करें, गाँव से निकल के शहरों में जाए और ऐसी सुख सुविधाओं का फायदा उठाए। तो यही सारी चीजें यहाँ पे इसके लिए इसको इस तरीके से संबोधित करके कहा गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्वप्न विकनार्या माणसाच गावात एनार्या मागच उद्देश्य। ओके, और यहाँ पे यही है कि अगर आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति जब शहर से गांव में आता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या क्या है कि स्वर्गीय सोप्तच रहने, यानी सभी को एक साथ किस तरीके से रहना है वो उसके बारे में बताता है। जिस तरीके से शहरों में विकास होता है उसी तरह से क्या गाँव में भी विकास हो सकता है, स्कूल बन सकते हैं अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे बन सकते हैं, इसके बारे में वो अवगत करवाता है। ओके, उसके भी परिवारातिल शुरुआती च समर्थन, यानी अगर आपको कोई भी काम करना है, जिस तरीके से शहरों में लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या गाँवों में भी उस तरीके से समर्थन दिया जा सकता है, उसके बारे में वो बताता है। ओके, उसके बाद ग्रामीण समुदाय च सेवे साठी, और गांव के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, शहरों से गाँव में जाते हैं और बहुत तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे आप शिक्षा, स्वास्थ्य, जल के लिए, कृषि, अच्छी कृषि किस तरीके से किसान पैदा कर सकता है, रोजगार किस तरीके से निर्माण हो सकता है, छोटे छोटे लघु उद्योग किस तरीके से निर्माण हो सकते हैं, उसके बारे में क्या करता है, अवगत करवाते हैं। तो ये आपका जो आंसर है इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि आपको क्वेश्चन दिया है कि स्वप्न विकनार्या माणसाचे खालील मुद्द्याचे आधारे दोन दोन वाक्य वर्णन करा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग सेंटेंस आपको दिए हैं। ओके, जैसे स्वप्न विकनारा मानुष, जिसके अंदर आपको पहला दिया है त्यांचे पहराव, त्यांचे बोलने, ओके, और त्यांचे स्वप्न। तो यहाँ पे आपको तीन भागों में इसको बांटा है और हर एक भाग के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि इन तीनों में आप क्या अलग अलग चीजें महसूस करते हो, चाहे उनके पहराव को लेके जो गाँव में रहते हैं लोग, उनके बोलने चालने के को लेके, यानी जिस तरह से और जो एक मानुष होता है शहरों में जाके वो गांव में जब आता है तो वहां पे किस तरीके से माहौल होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उनके सपनों के बारे में बताना है, वो किस तरीके से अपने सपनों को देखते हैं, सपनों को पूरा करते हैं, चेस करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो वो पूरा यहाँ पे जो आंसर है वो लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आप देख सकते हो कि खालील आकृतियां पूर्ण करा, आपको यहाँ पे एक आकृति दी है उसको आपको क्या करना है, पूर्ण करा। जैसे स्वप्न विषय लेखकाचे मत, तो स्वप्न विषय लेखकाचे मत क्या क्या है, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो स्वप्न देखने वाले लोग होते हैं उनके प्रति लेखक क्या सोचते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है कि उनका महत्व क्या होता है, उसके बारे में वो अपने जीवन को लेके किस तरीके से सोचते हैं या सोसाइटी को लेके किस तरीके से सोचते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे आपको कंप्लीट जो आंसर है वो आपको दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्वप्न विषय इतरांचे मत, और यहाँ पे आपको लेखक के अलावा भी किसी और का जो मत है वो भी आपको यहाँ पे देखना है कि लोग दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। जो व्यक्ति
गांव शहरों से गांव में आता है, उस व्यक्ति के बारे में अन्य लोग क्या सोचते हैं लेखक के अलावा, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, उसके बाद स्वप्न विकनार्या मानसा जवड़िल बोड़िया तिल वस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से जो एक शहर से आया हुआ व्यक्ति अगर गांव में अपने सपनों की बात कर रहा है, अपने सपनों को बेच रहा है ताकि लोग भी वो सपनों को खरीदे और गांवों से निकलकर शहरों में जाए, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या आप गाठोड़िया तिल वस, यानी जिस तरीके से लोग होते हैं गांव में वो उनकी कल्पना के ऊपर क्या करता है, एक तरह से वस कर लेता है, उसके बारे में भी जो अनुभव है आपको यहाँ पे बताना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न विकनार्या च किससे और एकड़ा च फायदे, और यहाँ पे एक और फायदा होता है कि जो लोगों के अगर आप किसी के सपने अगर आप सुनते हो, किसी के बारे में अगर आप जानते हो, तो इससे आपके अंदर एक जो मोटिवेशन है आता है कि हाँ ये काम मैं भी कर सकता हूँ, इस व्यक्ति ने अगर ये काम किया है तो मैं भी ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है अगर आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हो, खासकर जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना कि आपके जो ऐसे मित्र है, जो ऐसे लोग हैं जो बिना किसी काम के, कोई काम के नहीं है, उनसे आपको थोड़ा सा एक जो सेफ डिस्टेंस है वो बना के हमेशा रखना चाहिए, और हमेशा ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए जो भले ही सेल्फिश हो लेकिन वो काम का आदमी हो, दिमाग वाला आदमी हो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पे आपको एक कॉम्पिटिशन सा फील होता है, आप सोचते हो कि ये व्यक्ति आगे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, तो आपको इस तरीके का जब अनुभव आने लगता है, इस तरीके की जब थॉट आने लगती है, तो आप भी उतनी ज्यादा मेहनत करने लगते हो, तो इसलिए आपको ये कहा गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको कहा गया है कि स्वप्न विकनार्या माणूस गावात आल्या पासून गाठोड़े सोपड्या क्या बोलते हैं सोड़े पर्यंतचा घटनाचा अधोक्ता तैयार करा। ओके, तो यहाँ पे पिंपळाच्या पारावर थांबड़े, तो पिंपळाच्या पारावर थांबड़े का मतलब यहाँ पे क्या है, पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो रुकता है, कुछ तरीके से वहां पे बताया है। ओके, वनात नदीत निगड़े गावातील सानेरी, ये सारी चीजें यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आपको दी है, तो तीन उदाहरण लिखने थे आपको, तीन उदाहरण यहाँ पे हमने आपको दिए हैं, और आई होप आपको ये सारे के सारे उदाहरण आपको पसंद आए होंगे। ओके, आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे जो ऐसे जो सेंटेंस है वो आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि कल्पना करा व लिया, आपको अपने हिसाब से सोचना है और आपको इसका जो आंसर है वो आपको लिखना है। ओके, जैसे स्वप्न विकणारा माणूस तुम्हाला भेटला है, वो त्यांच्याशी तुमचा संवाद झाला है, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो शहर से गांव में आया है और वो अपने सपनों की बात करता है, अपने सपनों के बारे में बताता है, तो उसके बारे में आपको जो एक कन्वर्सेशन हुई है उस कन्वर्सेशन को यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कन्वर्सेशन हुई है माजा माजा संवाद और स्वप्न विकनार्या मानुष के बीच में। ओके, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में जो संवाद होती है तो वो किस तरीके से संवाद होती है उस संवाद को यहाँ पे बताया है, यानी एक तरह से जो कन्वर्सेशन होता है उस कन्वर्सेशन को यहाँ पे आपको बताया है। तो आप अपने हिसाब से भी कन्वर्सेशन प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने दोस्त के साथ ऐसा प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने दोस्त को बोलो कि वो एक स्वप्न विकनार्या मानुष है और आप एक आम आदमी हो जिसको और उसके सपनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो आप सपने को खरीदना चाहते हो, उसके पीछे आप जाना चाहते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको चर्चा करने के लिए कहा है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है इस चित्र के माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछा है आपको ये वाला उसका आंसर यहाँ पे आपको देना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कंप्लीट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, और ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, आपको बिल्कुल भी इसके अंदर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पे भी आपको उसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट का भी जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया है, और यहाँ पे वो जो कंप्लीट आपको पूरा आंसर उस चित्र के बारे में है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि पार झाड़ा बुद्ध्या जवड़ बसण्यासाठी सभोवताली बांधलेला ओटा पार पलीकडे असे पार या शब्दाचे दोन अर्थ होतात, लक्षात ठेवा संदर्भानुसार शब्दाचे अर्थ बदलू शकतात, खालील शब्दाचे प्रत्येकी दोन अर्थ लिहा। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिए हैं कि अलग अलग तीन वर्ड दिए हैं, तीनों वर्डों के आपको क्या लिखने हैं, अलग अलग जो एक अर्थ अर्थ क्या बोलते हैं अर्थ के साथ आपको संवाद करना है और एक अर्थ बदलून आपको एक जो एक सेंटेंस होता है उसको आपको प्रिपेयर करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तीन वर्ड है, तीन के तीन वर्ड के आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं अर्थ लिखने हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जोड़िया जुड़वा बोला है, जिसके अंदर आपको मैच द फीलिंग होता है उसको आपको यहाँ पे करना है। तो पहले का जो आंसर है, पहले का आंसर क्या है आपका, सेकेंड वाला है बी गट का, विचार प्रक्रिया थाम दे। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले का जो आंसर है, सेकेंड वाले का आंसर आपका थर्ड वाला है, उत्साह निर्माण करने, और थर्ड वाले का आंसर है आपका फर्स्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि खालील दिलेला शब्दाचा वापर करून वाक्य तैयार करा। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड दिए हैं, जैसे कुतूहल, समग्र, ढब, आतुरतेन, और इनका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, जो वाक्य है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे जो चार वाक्य हैं वो आपके लिए तैयार किए हैं, और इसके अलावा भी आप बहुत से जो वाक्य हैं वो तैयार कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं अगर आपको वो पसंद आते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको उपक्रम दिया है। उपक्रम में आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन में आपको या बालनो या रे या गीत मिड़वाओ व परि परिपाठात सादर करा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये गीत को फाइंड करना है। तो ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ये गीत का आपको आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये गीत जब आप खोजोगे, जब आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक अनुभव होगा और इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसके लिए हमने ये गीत आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इसको सर्च करो, आप वेबसाइट पे, नेट पे आपको ये गीत मिलेगा और आप इसके बारे में पढ़ो, आप इसके अनुवाद के बारे में पढ़ो, तो आपको बहुत ही अच्छा एक फीलिंग जो आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि तुमच्या गावात परिसरात येणाऱ्या असं काही व्यक्ती आहे ज्यांनी तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत असा, उदाहरण फुग्गेवाला, आईस्क्रीम वाला, असा एखाद्या व्यक्तीची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्नावली तयार करा। तो आपको भी पता है कि आपके गाँव में बहुत सारे लोग नहीं आते, जिस तरीके से शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं, आपको हर एक समय एक नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन गाँव में इस तरीके का माहौल नहीं होता है। गाँव में आपको देखोगे कि लिमिटेड लोग रहते हैं, गाँव से भी बहुत सारे लोग शहरों की तरफ प्रस्थान कर चुके होते हैं, जिसके कारण जो गाँव है वो धीरे धीरे खाली होने लगे हैं। तो इसी में कहा गया है कि गाँव में जब एक आइसक्रीम वाला आता है, एक फुग्गे वाला आता है, और वहां पे ऐसे ही बहुत सारे जो अलग अलग लोग आते हैं बहुत बहुत समय के बाद, तो उनसे मिलने की जो एक उत्सुकता होती है, उनसे मिलने का एक जो ख्याल होता है, वही हमारे मन को बहुत ज्यादा आनंदित करता है। और इसी को लेके यहाँ पे आपको क्या कहा है, प्रश्न तैयार करने के लिए कहा है, और यहाँ पे आप देखोगे कि चार पांच जो प्रश्न है यहाँ पे हमने तैयार किए हैं, आप इसी हिसाब से और भी जो प्रश्न है वो तैयार कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो पांच प्रश्न तैयार किए हैं उसके अलावा भी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि आपन समझून गया, तो अपने को क्या समझ के लेना है इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन आपको दिया है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि खालील वाक्य वाचा, मी साडा जातो, मी साडे जातो, ही दोन वाक्य तुम्ही वाचतील, यापैकी पहिले वाक्य चुकीचे आहे आणि दुसरे वाक्य बरोबर आहे, या दोन्ही वाक्य मध्ये काय फरक आहे, पहिल्या वाक्यात साडा हा शब्द आहे, दुसऱ्या वाक्यात साडा हा शब्दाला तो हा प्रत्यय लागला आहे। तो आपको इन दोनों के बीच में आपको बताना है, दो सेंटेंस आपको दिए हैं, पहला सेंटेंस यहाँ पे आप ये वाला देख सकते हैं, और दूसरा सेंटेंस आपको ये वाला यहाँ पे दिया है, और दोनों सेंटेंस में आपको क्या फर्क दिखता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले का जो आंसर है ये यहाँ पे दिया है, दूसरे का आंसर यहाँ पे, और दोनों को कंबाइन करके एक जो कंक्लूजन होता है यहाँ पे आपको दिया है। तो इस तरीके से जो आंसर है आपको लिख के यहाँ पे दिया है। उसके बाद खालील वाक्य वाचा, यहाँ पे आपको ये पूरा एक इतना बड़ा आपको ये दिया है, क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको राम मित्रासी बोलते हो, रेशमा पालीला घाबरते, कल्पना दुकानात जाते, या शब्दामध्ये नाम प्रत्यय मित्रशी पाल ला दुकान तो, ये सारी चीजें आपको दी गई है। उसी तरीके से आपको जो अनेक ऐसे जो सर्वनाम लगनारे प्रत्यय है उनको आपको क्या करना है, बताना है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि उनके बारे में यहाँ पे जो तीन है, तीन हमने लिखे हैं, जैसे राम मित्रासी बोलतो, रेशमा पालीला घाबरते, कल्पना दुकानात जाते, और इनके जो अर्थ है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आता एक मजेदार खेड़ खेड़ू है, यहाँ पे आपको क्या कहा है, एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही जो मजेदार सा गेम है वो आपको यहाँ पे खेलने के लिए कहा है, और उसी खेल को लेके यहाँ पे आप अलग अलग जो वाक्य हैं वो प्रिपेयर करके दिए हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
तो इस तरीके से आपको भी आप अपने मित्र के साथ अलग-अलग खेल खेल सकते हो और उनके बारे में एक जो जानकारी है वो आप बना सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि खालील वाक्य वाचा, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो वाक्य दिया है उनको आपको पढ़ना है और उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। ओके, तो पहले वाक्य में आप देखो कि इसका आंसर ये है और दूसरे वाक्य का जो आंसर है आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वाक्य दिए हैं और अलग अलग वाक्य के जो आंसर है आपको यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है उसको पढ़ना है और उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ओके, आता तुम्ही या उदाहरण प्रमाणे खाली तक्ता पूर्ण करा, ही माझी नवी छोटी साडा या माझ्या नव्या छोटा साडी, डॅश 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 पुस्तक, डॅश 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 पुस्तकात, डैश 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 पंखा, डैश 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 पंख्याला। यानी एक तरह से आपको क्या करना है, ये पूरा आपको एक जो छोटा छोटा यहाँ पे आपको वर्डिंग दी गई है, इस वर्डिंग से आपको एक बहुत ही कमाल की क्या जो एक एक स्टोरी होती है ना वो आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, जैसे हमें हिंदी के अंदर भी पूछा जाता है, इंग्लिश के अंदर भी ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्रामर के पार्ट में जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो आंसर है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उस तो इसी तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट ये जो एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है, वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, हमारा इंस्टाग्राम का भी ग्रुप है, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी हमें क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ये पसंद आया होगा स्वाध्याय तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाएंगे, तो इसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो थैंक यू।